Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are going to discuss today life process and this is lecture number 2. पहले लेक्चर में हमने लाइफ प्रोसेस के ओवरव्यू के बारे में बात किया था और ओवरव्यू दिया था. अब इस लेक्चर में हम वन बाय वन करके सबको डिटेल में समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है. अगर आपने पहले ही लेक्चर देख ली है तो अच्छी बात है, उससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगी. अगर नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिए. वैसे इस लेक्चर से उसका कुछ लेना देना नहीं है. अगर आपने पहले नहीं भी देखी है तब भी यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं. यहाँ से एक्चुअल चैप्टर की शुरुआत हो रही है. कैसे करेंगे, लाइफ प्रोसेस क्या है और इसके बारे में डिटेल सीखते हैं. तो लाइफ प्रोसेस क्या है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस. सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेस है क्या. लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन. The process which maintain body functions and necessary for survival of living organism. Survival of living organism is called life process. ठीक है, life processes basically क्या है. तो life processes एक ऐसा process है, बहुत सारे process है, only one process is not there. The process group of process which maintain body functions and which maintain body functions and necessary for survival of living organism is called life process. In this process a number of processes are involved, right? They are doing the job for maintenance and repair. Maintenance kis tarah ki, repairing of the cells, right na. So body maintenance ke liye jo kaam karte hain usko hum life process kehte hain. Life process includes many things, but we will discuss primarily first nutrition, then respiration and transportation and finally excretion, right? So these are the four main process which we have to learn about in this chapter, and we will discuss one by one. So first I am going to discuss about the nutrition. What is nutrition and what we have to learn about nutrition. Nutrition ka definition kya hona chahiye. Nutrition is the process of taking nutrients, the process of taking nutrients from outside environment is called nutrition. अब इसमें एक वर्ड आया है nutrients. What is this? Nutrients includes what? किसको कहते हैं? Fats, carbohydrates. Minerals, vitamins, right? Minerals, water, proteins, right? Etc. These are the nutrients. So nutrients includes what? Nutrients includes carbohydrate, fats, minerals, vitamins, water, proteins, etc.
दीज आर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एंड ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिलता कहाँ से है, तो ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिलता है फूड से, ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिलता है फूड से, ये मिलता है हमें फूड आइटम्स फूड से। अब फूड किस तरह से लिया जाता है और कहाँ से आता है फूड, ये हम समझते हैं। इसलिए अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ये फूड कहाँ से आता है और कौन बनाता है, इसको हम कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो इसलिए अब हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप साथ के साथ लिखते जाएं ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरह के मोड होती है न्यूट्रिशन की। एक होती है जो न्यूट्रिशन का मतलब फूड, फूड लेना, और फूड लेने के दो तरीके होते हैं। एक होता है जिसमें फूड खुद बनाया जाए और लिया जाए, और दूसरा होता है जिसमें फूड खुद ना बनाया जाए, कोई और बनाए और हम उसको सिर्फ इंटेक करें। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे दो तरह के न्यूट्रिशन होती है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये दो तरह के न्यूट्रिशन हो गए, एक ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेटरोट्रॉपिक। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो दो तरह के न्यूट्रिशन हो सकते हैं, एक कहें ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होगा हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होगा हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ कि जो खुद अपनी फूड प्रिपेयर करे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, दोज हु प्रिपेयर फूड फॉर सेल्फ, दोज हु प्रिपेयर फूड फॉर सेल्फ, ये है ऑटोट्रॉपिक। एंड सिंपली भाषा में ये कहें हेटरोट्रॉपिक, दोज हु डू नॉट प्रिपेयर फूड फॉर सेल्फ इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन अदर्स। ठीक है, अब ये क्या है, जो ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन होती है उसमें क्या होता है, जरा ध्यान समझो। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेकर के और उसको ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल कहाँ से लेते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल एटमॉस्फेयर से लेते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं, और ये इसको ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। सबको ऑर्गेनिक मटेरियल ही चाहिए फूड के लिए, इनऑर्गेनिक मटेरियल के साथ साथ इनऑर्गेनिक के साथ ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए फूड के लिए। बेसिकली कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल भी चाहिए होता है, लाइक मिनरल्स जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कंसिडर किए जा सकते हैं जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जो हमें चाहिए वो ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन में क्या होता है, जरा समझ लीजिए। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में दे इन दिस न्यूट्रिशन फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड from inorganic material, organic materials like CO2 and water taken from environment
environment in presence of sunlight. ठीक है, तो ये कौन करता है? एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आप कह सकते हैं कि प्लांट्स आर डूइंग दिस, सम अदर बैक्टीरिया आर ऑल्सो डूइंग, एंड सम अदर बैक्टीरिया आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया एंड सम बैक्टीरिया आर डूइंग दिस, बैक्टीरिया आर डूइंग दिस. तो ये जो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है? CO2 और क्या है? वाटर. इनको मिला करके सनलाइट के प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर किया जाता है. और क्या बनता है और कैसे बनता है ये हम सीखते हैं. अब इसमें जो ये प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, ये ग्रीन प्लांट ही हो सकते हैं, दूसरे प्लांट नहीं कर सकते. क्योंकि ग्रीन प्लांट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होता है. सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 और H2O मिल करके जो है वो बनाता है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसको हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स होता है बेसिकली. कैसे बनाता है देखिए, एक रिएक्शन होता है, अभी हम इसके बारे में लिखेंगे. 6 CO2, ये CO2 प्लस H2O मिल करके बनाता है CO2 प्लस H2O, मिल करके सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता है, यहाँ से ले लेते हैं. सनलाइट के प्रेजेंस में ये बनाता है C6H12O6, ये इसको ग्लूकोज कहते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज. ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन रिलीज होता है और प्लस वाटर रिलीज होता है. अब इसको बैलेंस करना है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन 6 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 6 कार्बन हो जाए. हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे आपको 12 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ भी है और ऑक्सीजन यहाँ भी है. ऑक्सीजन 6 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए? 6 2 12 ऑक्सीजन हो गए. और 12 ऑक्सीजन हो गए तो इस हाइड्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन के लिए करें 6 से मल्टीप्लाई, तो ये भी हो जाएगा 6 ऑक्सीजन यहाँ से और 12 ऑक्सीजन यहाँ से, 18 ऑक्सीजन हो गए. अब 18 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 ऑक्सीजन मिल करके टोटल 18 ऑक्सीजन हो गए. तो प्लस 6 H2O हो गया ये पूरा. ठीक है, तो ये हो गया पूरा, ऑक्सीजन पूरे हो गए. अब हाइड्रोजन 6 2 12 हाइड्रोजन यहाँ से और 12 यहाँ से, 24 हो गए. यहाँ हाइड्रोजन 6 12 यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गए. अब यहाँ पे तो ये 12 हाइड्रोजन हो गए और इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 24 हो गए. यहाँ पे 12 यहाँ, 12 यहाँ, 24 6 C6H12O6. सो अब यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जा करके बात बनेगी. तो इसका मतलब है कि ये 12 से मल्टीप्लाई कर दो. अब ये हो गया 12 × 2 24 हाइड्रोजन हो गए. यहाँ 12 हाइड्रोजन और यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, 24 हाइड्रोजन हो गए. कार्बन 6 पहले से है, ऑक्सीजन 12 और 12 24 हो गए. यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12 6 18 6 24 सब बराबर हो गए. तो ये ऑक्सीजन रिलीज होता है और वाटर. इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है सनलाइट के प्रेजेंस में होता है और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है. क्लोरोफिल, ठीक है. तो ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस में पूरा ये रिएक्शन बनता है. और अब इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस किसे कहेंगे? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस इन विच ऑटोट्रॉप्स टेक इनऑर्गेनिक मटेरियल मटेरियल
and convert them in organic material from the environment, and convert them into carbohydrates. Hydrates, a complex organic material compound, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट एंड क्लोरोफिल ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है पूरी की पूरी, और इस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स इनऑर्गेनिक मटेरियल। कौन सी इनऑर्गेनिक मटेरियल, तो ये है इनऑर्गेनिक मटेरियल CO2 एंड H2O फ्रॉम एनवायरनमेंट से लेते हैं। CO2 एटमॉस्फेयर में है, इसमें लेते हैं, और वाटर जो होता है वो कहाँ से लेते हैं, सॉयल से, जो मिट्टी में वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वहाँ से रूट के जरिए इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये लेकर के और इसको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में। ये एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कन्वर्ट करते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ये फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। थियोरेटिकली तो ये समझ में आ गया कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कैसे होता है, आखिर क्लोरोफिल की क्या जरूरत होती है, ग्रीन प्लांट ही क्यों करता है फोटोसिंथेसिस, कोई दूसरा प्लांट क्यों नहीं करता। अब ये सारी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा। और सनलाइट की क्या जरूरत है, सनलाइट से क्या होता है, क्या हम ऐसा फोटोसिंथेसिस कोई आर्टिफिशियल लाइट देंगे उससे भी हो सकता है, यस हो सकता है। क्योंकि लाइट में क्या होता है, बेसिकली एनर्जी होती है, और लाइट एनर्जी को क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब करता है। तो आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये सनलाइट की क्या जरूरत है और क्लोरोफिल की क्या जरूरत होती है, क्यों ग्रीन प्लांट ही बना पा रहे हैं और दूसरे नहीं बना पा रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि सनलाइट क्या करता है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस क्यों चाहिए। सनलाइट में क्या होता है, सनलाइट में आपको पता है कि जैसे सनलाइट में क्या होता है, एनर्जी होती है, इसमें होती है एनर्जी। ये एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, ये क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, और ये किस में कन्वर्ट कर देता है, इस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और ये केमिकल एनर्जी किस बात के लिए चाहिए, ये केमिकल एनर्जी चाहिए आपको रिएक्शन करने के लिए। किसके रिएक्शन करने के लिए, ये जो आपको CO2 और H2O था, इस H2O को ब्रेक करता है पहले, और H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग ब्रेक कर देता है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है इसमें, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिडक्शन प्रोसेस होती है, इस केमिकल एनर्जी से पहले ये पहले स्टेज में ये H2O को रिड्यूस कर देगा, रिडक्शन प्रोसेस होगा, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें इसमें फिर से क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो हाइड्रोजन के एडिशन को क्या कहते हैं, फिर से रिडक्शन कहेंगे। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, तो इसमें हाइड्रोजन जो इसमें से रिलीज होते हैं वो इसमें से जुड़ करके और बन जाता है C6H12O6, और हाइड्रोजन के एडिशन होने की वजह से एक रिडक्शन प्रोसेस और होता है, और इस तरह से ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको आप कहते हैं ग्लूकोज, ये तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर एक बार और रिडक्शन प्रोसेस होती है, एक रिडक्शन प्रोसेस और होती है,
रिडक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन जो रिलीज हुआ है वो हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड होकर के और बनाता है ये 6H12O6, ये कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल जाता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन निकलता है, वाटर निकलता है। तो ये हमने 6H2 और 6H2 इसको बैलेंस कर दिया था पहले, ये ऑक्सीजन और वाटर निकलता है। अभी हम बैलेंस इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, इसलिए ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, हमने सिर्फ लिख दिया O2 और वाटर इसमें से रिलीज होता है, ये पूरा बैलेंस नहीं है, यहाँ हमने हाइड्रोजन को सिर्फ लिखा है। सो ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं, बाई प्रोडक्ट्स। अब ये बाई प्रोडक्ट इसमें से ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत यूजफुल है। अब सवाल है कि ये लेता कैसे, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है और ये बाई प्रोडक्ट्स के रूप में निकलता है ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, हमारे रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस के बाद, ये हम कहते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि जो पौधे हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, वो यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये अर्ध सत्य है, पूरा सत्य इसमें यह है कि हर वक्त में वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का इस्तेमाल करता है, कोई कम या कोई ज़्यादा। अब ये होता कैसे है, पूरी प्रोसेस ये समझते हैं। ये देखिए, ये एक समझ लीजिए कि लीफ का स्ट्रक्चर है। लीफ में ये है हमारा एस्टोमेटा, जिसको गार्ड सेल कहते हैं, एस्टोमेटा, इसको गार्ड सेल भी कहते हैं। ये एस्टोमेटा में ये एस्टोमेटल पोर होती है, ये पोर है जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सचेंज करने काम आता है। ये गार्ड सेल इसलिए कहा जाता है कि ये खुलता है और बंद होता है, जितना जरूरत होगी उतना ये खुलेगा और जितना जरूरत नहीं होगी उतना ये बंद हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। यानी गैस को एक्सचेंज, लीफ से एटमोसफेयर में गैस को एक्सचेंज करने के लिए ये काम आता है। ये लीफ का एक स्ट्रक्चर है, इस लीफ के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि अंदर में ये है क्लोरोप्लास्ट, और यही क्लोरोप्लास्ट जो यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह के दिख रहे हैं, ये एक ग्रीन पिगमेंट को कंटेन करता है, यही जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल ये ग्रीन पिगमेंट है जो कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे जो गैस आती है, गैस का एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर फिर किस में कर देता है, रिडक्शन करता है। रिडक्शन प्रोसेस से पहले वाटर मॉलिक्यूल जो लिया आया हुआ होता है रूट से यहाँ तक, उसको ब्रेक करता है किसमें, ये केमिकल एनर्जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक हो गया, एक रिडक्शन प्रोसेस हो गई। H2O जो था वो H2, ये पहला प्रोसेस हो गया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप ये हो गया केमिकल एनर्जी से, और ये किसकी वजह से हुआ है, केमिकल एनर्जी से। और सेकेंड स्टेप में जो CO2 है वो हाइड्रोजन के साथ मिल करके और क्या बनाता है, ये ऑक्सीजन बाहर ही रह जाता है, ये हाइड्रोजन के साथ मिल करके C6H12O6 बनाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब इसमें इसको बैलेंस करना हो तो दो आप यहाँ कर सकते हो, दो से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर दो, ये ऑक्सीजन हो गए, इस तरीके से बैलेंस भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो इसको भी बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए पूरा चीज़ जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है और फिर H2O भी हो रहा है, इसलिए पूरी इक्वेशन को एक साथ बैलेंस करके हमने लिख दिया था। ये एक रफ है, स्केलेटल इक्वेशन इसको कह सकते हैं, ये एक स्केलेटल इक्वेशन है। बनता ये ग्लूकोज है जो कि बाद में फर्दर रेस्पिरेशन प्रोसेस से ये स्मॉल कंपाउंड में, स्मॉल मॉलिक्यूल में ये ब्रेक होता है फिर से, और जब फिर से ब्रेक होता है तो इसमें ऐसे क्या निकलता है, एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी इस पौधे के विभिन्न भागों में, प्लांट के विभिन्न पार्ट में सप्लाई होती है, जिससे ग्रोथ और मेंटेनेंस इनका भी होता रहता है। तो ये गार्ड सेल्स जो है ये गैस एक्सचेंज करता है, और ये CO2 लेता है एटमॉस्फेयर से और O2 बाद में रिलीज करता है, दोनों ही काम करता है, गैसेस एक्सचेंज का काम करता है। लीफ के जो पोर्स होते हैं वहाँ से वाटर रिलीज भी होती है, और वहाँ पे एस्टोमेटा जो है ये वाटर को फिर क्या करता है, जब बंद कर देता है तो वहाँ से फिर वाटर वेपर रिलीज नहीं होती,
वाटर जो रिलीज और होने का तरीका है वाटर वेपर के रूप में है, वो भी एक गैसियस रूप है, इसलिए वो भी स्टोमेटा के जरिए रिलीज होती है। तो ये पूरी के पूरी जो प्रोसेस है ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता है, और प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, और प्लांट्स जो है वो खुद के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, इनकी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है। बाकी के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं करते, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन प्लांट्स पे ही निर्भर होते हैं। जैसे हम कहें कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एनिमल को ही खाते हैं, लेकिन एनिमल को तो खाते हैं तो एनिमल पे डिपेंड है आप कह सकते हो, लेकिन वो जिस एनिमल को खाते हैं वो तो किसी प्लांट को या किसी एनिमल को खाता होगा, तो अल्टीमेटली कोई ना कोई जा करके इस पे डिपेंड ही होता है, प्लांट पे ही डिपेंड होता है, और प्लांट से ही हम ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, ये सब हम लेते हैं, या फैट्स है, ये सब प्लांट से ही हम लेते हैं फूड के फॉर्म में, और जो आगे जाके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, एनिमल्स को रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली हमें का मतलब एनिमल्स को रिक्वायरमेंट। इसके अलावा हमने बात की थी कि कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, और उनकी न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होती है, दे आर ऑल्सो ऑटोट्रॉप्स। जो ऑटो इनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं तो उसमें तो फोटो क्लोरोफिल होती नहीं, फोटोसिंथेसिस होता नहीं, तो अपना फूड कैसे बनाते हैं ये क्वेश्चन होगा। हालांकि ये सिलेबस से थोड़ा बाहर की बात है, बट फिर भी हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि ऐसे ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने सेल को ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला करके और उसको न्यूट्रिएंट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, और एक जो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपने सेल के जो कंस्टिट्यूएंट सेल होते हैं, सेल के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला करके और न्यूट्रिएंट्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, और उनको किसी क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं होती और कोई सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं होती, तो लेकिन अपना फूड खुद न्यूट्रिएंट्स बना लेते हैं जिससे उनका काम चलता है। थोड़ा डिटेल में इसको आगे क्लास में आप पढ़ोगे, लेकिन अभी इतना जान लो कि कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। हमने लिखा था क्वेश्चन शुरू में, और कोई आपसे ये पूछ ले कि कैसे होगा, तो आप यही कह सकते हो कि वो अपनी सेल के कंस्टिट्यूएंट्स को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला करके एक कार्बन सोर्स क्रिएट करता है जो उसके न्यूट्रिएंट्स के काम आती है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर हमारी हेटरोट्रॉपिक पे न्यूट्रिशन पे बात होगी, और उसमें टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम डिटेल बात करेंगे। टिल देन, बाय बाय, नमस्कार।